खऱ्या अर्थाने सन्माननीय गणेशजी चव्हाण साहेब आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या अथक प्रयत्नातून साकारलेली स्पर्धा या विभागाचे एक लोकप्रिय नेतृत्व व्यक्तिमत्व जिल्हा परिषद सदस्य सन्माननीय धनंजयजी चव्हाण साहेब अजयचा हा चेंडू बॅटची कर घेऊन चेंडू एसटी वरती आदळतोय. पहिला धक्का बसतोय, पहिला फलंदाज बाद होतोय. मोठं यश आपल्या संघासाठी मिळवून देतोय गणेश पवार बॅक टू द पॅव्हिलियन. बहुत अच्छी गेंदबाजी. टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आ रही थी, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास. और भगवान साहब बहुत बार मैंने देखा गणेश पवार को जो खड़े खड़े खेलने की कोशिश करते हैं वो थोड़ी परेशानी. जर्सी कंपल्सरी आहे, पंचांच्या नजरेतून आपण सुटू शकणार आहे. जर्सी कंपल्सरी आहे, दोन धावांची पेनल्टी. नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. पहली गेंद पर भगवान साहब विकेट मिला. विकेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी खेल में, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट खेले, आप ओडीआई का क्रिकेट खेले, टी ट्वेंटी का क्रिकेट खेले, या छह ओवर का मैच खेले, पांच ओवर का मैच खेले. शुरुआत बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया किए थे. पहले अगर छह गेंदों की बात करें तो उसके बाद में पहली गेंद पर विकेट, तो पलट पर करने का मौका मिलेगा इस मैच में फील्डिंग करने वाली टीम को. चला धन्यवाद राहुल. क्रिकेटचा पहिला नियम जो आपण पाहतो डिसिप्लिन, शिस्त ही कोणत्याही संघाकडून पाळली गेली पाहिजे. काही वेळा टी शर्टच्या साईज आपल्याला ऑड पाहायला मिळतात, परंतु पहिला धक्का बसल्यानंतर मैदानामध्ये जातो. वन डाऊन पोझिशनमध्ये राहुल, भारतीय संघामध्ये द वॉल म्हणून ओळखला गेलेला राहुल द्रविडनं ज्या पद्धतीनं तिसऱ्या क्रमांकावरती आपल्या संघासाठी चांगली साजेशी फलंदाजी, भारतीय संघासाठी राहुल द्रविडचं योगदान कधी विसरता येत नाही, त्याचप्रमाणे या संघासाठी मात्र तिसऱ्या क्रमांकावरती राहुल. वेळेचं बंधन आहे आणि आपण निर्धारित वेळेमध्ये सामना संपवायचा आहे. पॉवरफुल टॉस, क्षेत्ररक्षक असेल, परंतु पाहूया चेंडू मात्र जातो क्षेत्ररक्षकाला चकून सीमा रेषा पार, चौकार. चौकाराने मात्र आपलं खातं उघडतोय. याच दरम्यान बागवान साहेब चेतन चिंचरकर आणि त्याचबरोबर पंढरीनाथ चिंचरकर यांचं शुभागमन झालंय आणि चौकारांशी झालंय, क्या बात आहे. मनापासून तुमचं हार्दिक स्वागत मंचावरती. पृथ्वीराज चषक एक मानाची स्पर्धा, पश्चिम महाराष्ट्रातला वर्ल्ड कप या ठिकाणी आपण बघतोय. मोसमामती महाराष्ट्रातली पहिली पहिली स्पर्धा आणि त्याचा शुभारंभ आपल्या गावात होतोय, यापेक्षा मला वाटतं फार मोठा आनंद कोणाला नसेल. पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू आहे, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतल्या बाजूला येणारा चेंडू, मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न. याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती चौकार मारलाय, परंतु त्याच्या पुढच्याच चेंडूवरती गोलंदाजाने देखील प्रत्युत्तर दिलंय. निर्धाव चेंडू टाकलाय, एक चौकारानंतर निर्धाव चेंडू येतोय. धावपलकावरती धावसंख्या येते 18 धावा धावपलकावरती. षटक क्रमांक दुसरं, पाच षटकांचा सामना, वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं षटक. गोलंदाज मार्कवरती गोलंदाज अजय, समोरचा फलंदाज राहुल. यावेळी मात्र मोठा फटका, चेंडू मात्र सरळ भिरकावलाय सीमा रेषेच्या वरून, षटकार. आपला फटका 40 झटका, 440 झटका, काय फटका खेळला अप्रतिम. डीप मिडच्या दिशेनं तंत्र सुद्धा फटका खेळलाय आणि बॅकफुट वरती आपण बघितलं तर टेनिस क्रिकेट मध्ये जे खेळाडू आहेत सातत्यानं फलंदाजी चांगली करत असतात आणि तोच नमुना पेश करत असताना इथे आता फलंदाज राहुल, ज्यानं आतापर्यंत एक षटकार आणि एक चौकार टोटवलाय. सुरेशच्या बॅटमध्ये एक षटकार आलाय. धावपलकावरती धावसंख्येला आकार आलाय, धावसंख्या पोहोचले 24 वरती. एक गडी बाद 24. आपल्याला 25 मिनिटाची वेळ दिलेली आहे, 20 मिनिटं चार षटकांकरता. डीप मिड विकेटमध्ये ज्या चेंडू जातोय मैदानाच्या बाहेर, तो पुन्हा एकदा त्याच खेळाडूने आणायचा आहे. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज असेल अजय, सामोरं जाईल राहुल. इज फ्लाइंग ऑन 10 नाउ, स्कोर 24 फॉलोअर्स ऑफ वन विकेट. प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. नो बॉल का इशारा, अच्छा स्ट्रोक है, कुछ सुर्ती के साथ गेंद को खेल दिया, गेंद बॉल की तरफ जाती है, 4 रन. अच्छा स्ट्रोक, और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, वन बाउंस गेंद बॉल की तरफ जाती है 4 रनों के लिए. नो बॉल है, तो इसका मतलब आने वाली गेंद पर फ्रीड का इशारा भी होगा.
बेहतरीन बल्लेबाजी राहुल द्वारा। ये इनका दूसरा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है। आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर अगर देखे तो 28-29 रन एक विकेट के नुकसान पर। कुरली गांव से माजी सरपंच अपन जी लकी ड्रॉ करता ब्रँडेड अशी स्पोर्ट बाय स्पोर्ट सायकल पाहतोय, त्याचे स्पॉन्सर आहेत राजेंद्र फडतरे साहेब, त्यांचे मनापासून धन्यवाद। एक्सलंट बॅटिंग बाय द बोथ बॅट्समन राहुल अँड सूरज। स्कोर 29 फिलॉसफ वन विकेट। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए अजय तैयार। महंगा ओवर है अजय का। और उसके साथ देखिए पृथ्वीराज चषक 2023 पिक्चर है सुपर हिट। अगली गेंद फ्री हिट, दिए घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। स्ट्राइक रेन पर राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो चौके और एक छक्का इनके बल्ले से। ऑनसाइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी तैनात। और क्या कनेक्शन, बॉल लाइन की तरफ जा रही है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी है, कव कॉर्नर में खिलाड़ी है, कव कॉर्नर के खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज का, राहुल इस मुकाबले में जान डाल रहे हैं। अभी तक अगर देखे तो 2 सिक्सर और 2 चौके इनके बल्ले से। राहुल का बल्ला बोल रहा है, दी दनादन बल्लेबाजी कर रहे हैं। राजेंद्र फडतरे, दक्षबाई कामले, हनुमंत इनामदार, विनायक बागल, सुजाता इनामदार, विकास बरकड़े, विलास यादव हमारे मेहमान। After 2 over now score 41 philosopher one wicket, magnificent batting by Rahul is looking very dangerous, change in bowling, गेंदबाजी में एक बार फिर परिवर्तन हो रहा है। ऋषिकेश को मौका मिल रहा है, सामने सूरज। खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, डिप्स को लेग पर एक लेने का अवसर। अब राहुल को मौका मिलेगा। सूरज अपने रोल को अदा करते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लो फुट टॉस गेंद थी और ज्यादा फुटबॉल नहीं था, लेकिन रेंज में गेंद थी बल्लेबाज की। डिप्स को लेग पर बाउंड्री नेट पर खिलाड़ी तैनात। जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। इसे सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चाप पहुंचाए 42 पर। 42 फॉर लॉस ऑफ वन विकेट। ओवर तीसरा प्रगति पर। इस बार भी ऑनसाइड पर घूमकर खेल दिया, घुमा के डीप मिड विकेट बॉलिंग के बाहर जाती भी गेंद। 6 रन, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय राहुल। स्टैंड एंड डिलीवर, 7 गेंद में 32 और हर गेंद को तारामंडल में भेजने की कोशिश कामयाबी मिल रही है। हर स्ट्रोक इनके पिटारे में से आ रहा है।
स्कोर अगर देखे तो रन संख्या इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, चापो 48 पर 48। स्कोर घोड़े की चाल चल रहा है, डगआउट में प्रसन्न माहौल में देख रहा हूँ, और इसकी वजह है कि रन बहुत तेजी के साथ बनते हुए बल्लेबाजों के बल्ले से। इस बार बैकफुट पर आंसर पर अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने, तालियां बजाने का मौका। चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और यह लगा शानदार छक्का। मैंने देखा, तूने देखा, सबने देखा, राहुल का बल्ला बोल रहा है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे। स्कोर अगर देखे तो 50 के पार, 54 रन, 54 फिलोसफ, 1 विकेट, कुल मिलाकर 38 पर बल्लेबाजी कर रहे राहुल। ऑफ्टम के बाहर गेंद, खिलाड़ी है, इनके पास कोई मौका नहीं है, दिए दनादन, दिए दनादन, गेंद बॉलिंग के बाद 6 रन। अब ऑफ साइड पर छक्कों की बरसात, बल्लेबाज राहुल के बल्ले से छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और जगह मिली, इसका फायदा उठाते हुए गेंद को खेल दिया वाइड लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज राहुल का। स्कोर की बात करते रन संख्या 60 रन ओवर तीसरा प्रगति पर, गेंदबाजी करने के लिए ऋषिकेश तैयार, अच्छी गेंद थी ब्रोकन में, बहुत अच्छी गेंद थी ये, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, खोद के निकाला था, 1 रन का इजाफा और इसे सिंगल के साथ। स्कोर की बात करते रन संख्या कुल मिलाकर 61। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषिकेश, तीसरा ओवर डाल रहे हैं। पृथ्वीराज चषक 2023 का बहुत ही बेहतरीन आयोजन और शानदार आगाज, उद्घाटन समारोह के बाद पहला मुकाबला। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है और उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी तरफ जा रही है, 1 रन लेने का अवसर। सूरज इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जीवन दान मिलता है, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, ये कैच बिल्कुल आपको लपकना था। स्कोर के साथ सिंगल के साथ स्कोर 61। और ओवर की बात करें तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 62 रन, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन। पृथ्वीराज चषक 2023 में अब दूसरे विकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला आपने देखा था, 200 रन भारत को बनाने थे, तब 4 पर 3 विकेट हमने खोए थे। राहुल केएल राहुल का बल्ला बोला, विराट कोहली बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते रहे और इसके कारण भारत ने जीत अर्जित की। ऑस्ट्रेलिया ने स्टनिंग स्टार्ट किया था, 2-3 विकेट जल्दी प्राप्त किए थे। त्याचबरोबर यानंतर होणारा जो सामना आहे त्याची अनाउन्समेंट अगदी थोड्याच वेळात होईल। निमसोड आणि आदर्श क्रिकेट क्लब दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती, आपण समर्थन कक्षाकडे यायचं आहे, रिपोर्टिंग करा। सोमनाथ बागल यांच्याकडे आपण भेट द्यायची आहे। आफ्टर 3-0 वाइल्ड हॉर्स स्कोर 62 फिलोसफ, 1 विकेट, एक्सीलेंट बैटिंग बाय राहुल एंड सूरज, कमाल की बल्लेबाजी की है। और आज तो राहुल जिन्होंने एक सिंगल लिया है, बाकी अगर देखें तो इनके बल्ले से 5 या 6 छक्के 2 चौके आए, धुआंधार बल्लेबाजी रही है। बागवान साहब कमाल की बल्लेबाजी की है और अपने अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए राहुल। अब गेंदबाजी में वैभव को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए, 6 छक्के और 2 चौके और 45 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 रन चाहिए अर्धशतक बनाने के लिए। इस प्लेइंग ऑन 45। ओ आवाज आई थी, बिल्कुल आवाज आई थी, विकेट कीपर ने लड्डू छोड़ा है, शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। और सामने बल्लेबाज की बात करूं, वो सूरज है, बहुत डेंजरस बल्लेबाज है, खुशियां आई थी।
धाव संख्या 74 धावा। शुक्रिया बागवान साहब। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे पृथ्वीराज चषक 2023 प्रतियोगिता का आज का पहला दिन। और अब वैभव के ऊपर के बाद गेंदबाजी में थोड़ा परिवर्तन, सूरज ऑन स्ट्राइक, टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद, वाइड बॉल का इशारा साथी राजापुरकर कर रहे हैं। समशेर को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। पॉइंट कवर एक एस्ट कवर पर खिलाड़ी तैनात, उसके साथ अगर देखें तो फिलहाल लॉन्ग ऑन क्षेत्र में पॉइंट लाइन पर खिलाड़ी है। होलसेट पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, टप पकाने के बाद दीवी रमो बॉल कॉल, नो बॉल का इशारा। भगवान साहब नो बॉल का इशारा हुआ है, दिक्कतें इस पर गेंदबाजों के लिए बढ़ती भी, चक गेंदबाजी आप नहीं कर सकते। धापल करती धाव संख्या अपन पहतो 77 धावा धापल करती 77, एक जबरदस्त फलंदाजी प्रदर्शन। स्ट्राइक चा फलंदाज मात्र अपन पहतो राहुल फ्रीड चा चेंडू, वैयक्तिक 49 या धाव संख्या वरती फलंदाजी करते राहुल। अपने अर्धशतकापासून पृथ्वीराज चषक 2023 च पहिले अर्धशतक राहुल झळकावणार का, आणि त्याचं उत्तर दिले राहुल। पृथ्वीराज चषक 2023 चा षटकार मारून आपला अर्धशतक पूर्ण करतोय, जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन, एकदा जोरदार टाळ्या। ऑन राइट भगवान साहब, प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक झंडे वाले खिलाड़ी है मिस्टर राहुल, मैग्निफिसेंट बैटिंग, एक जबरदस्त स्फोटक खेळी, प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी खेळी, वैयक्तिक अर्धशतक झळकावले। पुन्हा एकदा फुल टॉस, पुन्हा बरसला राहुलच्या बॅट मध्ये निघालेला फायर ब्रॅड षटकार। राहुल देह दनादन बल्लेबाजी कर रहा है, प्रेशर पूरी तरह से इस वक्त बागवान साहब। और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी राहुल द्वारा, मैग्निफिसेंट बैटिंग। पीछे बिल्कुल चला गया है खिलाड़ी भगवान साहब, धुआंधार बल्लेबाजी। और पहले मैच में रनों की बरसात हुई है, राहुल ने आज गेंदबाजों की कमर तोड़ी है और इस जोड़ी ने कमाल कर दिया, सूरज और राहुल सुपर बैटिंग।
आतापर्यंत 10 षटकार आणि 3 चौकार। पुन्हा एकदा आपला खोल मध्ये टाकलेला चेंडू, चेंडूला दिशा दिली, एक धाव घेतली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय। कपावे एकाच धावावरती समाधान असेल, धाव फलकावरती धाव संख्या जाऊन पोहोचेल 103 धावा। 5 षटकामध्ये 103 धावा, वैयक्तिक अर्धशतक, संघाचं शतक, जोरदार ताळ्यावाजून स्वागत होत आहे। राहुलने मात्र आज दर्जेदार फलंदाजी केली, तितकीच साथ दिले सूरज पवार। 5 षटकामध्ये 103 धावाने 104 धावा विजयासाठी असणार लक्ष। पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय टेनिस बॉल क्रिकेटचा महासंग्राम, टेनिस बॉल क्रिकेटचा रणसंग्राम। आजच्या सत्रातील पहिला सामना उंबर्डे विरुद्ध औंध, ब्रमाई क्रिकेट क्लब औंध आणि उंबर्डे या दोन संघामधला हा पहिला सामना। नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी, 5 षटकामध्ये 103 धावा, स्फोटक फलंदाजी। भगवंत साहब शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है, खास करके राहुल की अच्छा प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी, कीर्तिमान रचने वाले खिलाड़ी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। राहुल सूरज वरती सगळ्यांच्या नजरा होता, कैमेरा ही त्याच्यावरती होता, परंतु सूरज ने सांगितले की माझ्याकडे 3-4 हुकमाचे एक आहे, ते देखील आज धावांचा पाऊस पडतील, आज धावांचा पाऊस पडलाय, 10 षटकात तुझ्या बॅटमध्ये आलाय, तर एक दोन गोष्टी म्हणजे तुझं अर्धशतक आणि संघाचं शतक मॅजिकल फिगर देखील आलेलं आहे, तर पहिल्या मॅचमध्ये अर्धशतक झळकावल्यानंतर आता पहिली प्रतिक्रिया तुझी काय असेल? नाही सर, आमच्या संघाला या ग्राउंडचं लकच आहे खतरनाकमध्ये, या संघ या ग्राउंडवरती जेव्हा जेव्हा खेळलो त्यावेळेस विनिंग आम्हाला मिळालेलंच आहे। म्हणजे म्हणायचं तात्पर्य असं की हे ग्राउंडच आम्हाला लक आहे, त्यामुळं ॲटोमोडवरती जरी एखादा प्लेअर समजा नाही खेळला, आमचा गणेश ओपनिंग करतो तो एकदम हार्ड हिटर आहे आणि चांगला बॅटिंग करतो, आता सध्याला तो टचमध्ये एकदम, पण त्याची बॅटिंग झालं नाही तरी मागं सूरजनं पण मारलं, मी पण मारलं, म्हणजे आम्हाला हे ग्राउंडच लक आहे आणि गणेश भाऊंचं प्रेम पण आमच्यावर खूप आहे। अर्धशतक आले, तुमचं मनापासून अभिनंदन, दुसरी इनिंग देखील महत्त्वाची आहे, त्यामुळे दुसऱ्या बाजूला आपण या 104 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने होतोय ते देखील पाहणार आहोत। पलटवार केला जाईल का? निश्चित, या विकेटवरती सिमेंटची विकेट आहे, त्यामुळे या विकेटवरती चेंडू चांगला बॅटवरती येतोय, चांगला रीड करता येतोय, धावांचा पाऊस दुसऱ्या बाजूने देखील पडू शकतो। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव, दुसरा डाव देखील लागणार आहे। एक छोटासा ब्रेक, डीजे पण एक सुंदर गाणं घेऊन येईल आणि त्यानंतर दुसऱ्या इनिंगची अद्भुत कहाणी सांगण्यासाठी मी प्रशांत रिषद बागवत यांच्या समवेत पुन्हा एकदा जॉईन होणार आहोत। चला थोडंसं लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय, लगेच सूरज पवार आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या, सलामीचे फलंदाज आपण तयार राहायचंय, सलामीचे फलंदाज आपण तयार राहायचंय लगेच। आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे, दिवसभरामध्ये 7 सामने आपल्याला संपन्न करायचे आहेत, कोणत्याही संघाचं बॅड लाईटचं कारण ऐकून घेतलं जाणार नाही, आजचे सर्व 7 च्या 7 सामने आजच आपल्याला संपवायचे, त्याच्यामुळे खेळाडूंनी याची नोंद घ्यायची, दोन्ही संघातील खेळाडू। निलेश पवार स्पोर्ट आणि आदर्श क्रिकेट क्लब दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती आहे, त्याला टॉस साठी यायचंय। निलेश पवार स्पोर्ट निमसोड आणि आदर्श क्रिकेट क्लब दोन्ही संघ, निमसोडचा संघ आणि आदर्श क्रिकेट क्लब आपल्या संघाची प्लेइंग 11 लिस्ट देखील जमा करायची आहे। निमसोड आणि चला फलंदाज लगेच मैदानामध्ये जायचंय, चला लगेच थोडस लगेच सामना सुरू करायचा, सामन्याच्या मध्ये अजिबात वेळ घ्यायचा नाही। आज एक दर्जेदार स्पर्धा आपण पाहतोय, या स्पर्धेतला पहिला अर्धशतकवीर आपल्याला मात्र पाहायला मिळालाय। चला थोडस लवकर सामना सुरू कर, सलामीचे फलंदाज औंध क्रिकेट क्लब आपले सलामीचे फलंदाज कॅप्टन। एक लक्षात घ्या, तुम्ही इथे आल्यानंतर पहिल्यांदा समर्जन कक्षामध्ये यायचंय, तिथे रिपोर्टिंग करायचंय। प्रशांत सर काय वाटतं, 103 धावा उभा केले त्यांनी, 104 धावांचं लक्ष आहे, देखिए कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, 434 में चेस हुए हैं, तो क्रिकेट में सब कुछ एक बार फिर संभव है, लेकिन इस वक्त मनोबल क्या होगा, बल्लेबाजी करने के लिए आप जा रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होगा, कितना सकारात्मक सोच के साथ आप मैदान के अंदर उतर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी, क्योंकि 104 का बोझ तो रहेगा, ऐसा नहीं कि बोझ नहीं रहेगा, लेकिन ये मन में होना चाहिए 434 में चेस हुए तो हम भी 104 चेस कर सकते हैं। और सामने से गेंदबाजों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, मनोबल इस वक्त गेंदबाजों का थोड़ा ऊपर रहेगा क्योंकि बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है।
संख्येसाठी पहिला चेंडू, पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका, चेंडू मात्र सरळ भिरकावलाय सीमा रेषेच्या वरून, षटकार। संख्येच्या बॅट मधून मात्र पहिल्या चेंडूवरती मोठा षटकार पाहायला मिळतोय। भगवान साहब इसी का मैंने जिक्र किया था कि आपका मनोबल अगर बहुत अच्छा होगा ना, क्योंकि माइंड सेट बहुत मायने करता है। अच्छा स्ट्रोक, एक बार फिर इसे कहते हैं ईट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से, जवाब ही हमला हुआ है। गोलंदाजी मार्क करते अपन पातो, गोलंदाजी मार्क करते अपन पातो, गोलंदाज गणेश टीशर्ट साठी एक एका धावेची पेनल्टी। पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू मिडॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक करतोय कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल। प्लस संकेत और तुषार प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर कड़क शॉट, एक बेहतरीन गेंद बॉलिंग की तरफ जाएगी, चार रनों के लिए अच्छे छह रन, अच्छे संकेत है, संकेत का बल्ला बोल रहा है, दूसरा छक्का। मजबूत इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं। 103 रन आपको बनाने, एक रन की पेनल्टी है, 104 का टारगेट था, इसलिए मैंने कहा बागवान साहब आपका मनोबल क्या है कि आप ही रन बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। और यह विकेट सीमेंट विकेट पर बॉल बहुत अच्छी तरह से रीड करना बहुत आसान हो जाता है। सीधे बोले से अच्छा स्ट्रोक, चार रन, मैग्निफिसेंट बैटिंग, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार फोर। ऑन राइट स्कोर अगर देखें तो बिल्कुल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 16 ऑन द बोर्ड। ऑनसाइड पर खेलते हुए गैप में खेला, वन बाउंस गेंद बॉडी की तरफ जाते हैं, पीछा करने की कोशिश, गेंद नहीं रुकने वाली है, ओहो हो शानदार बल्लेबाजी, गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगा जोर और गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई, ये लगा सुमन दूत, शानदार दमदार फोर, मैग्निफिसेंट बैटिंग, जवाबी हमला संकेत द्वारा। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है और उसके साथ लकी ड्रॉप का इंतजार कर रहा है। रन संख्या 20, आगाज बहुत ही बेहतरीन। छोटी गेंद पर प्रहार, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रन, संकेत, वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वहां मिलती है रहा, कमाल कर रहे मैदान के अंदर संकेत। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा, दरख्वास्त कर रहा है आपको आना है, और निम्सो टीम के कप्तान, आदर्श क्रिकेट क्लब के टॉप कप्तान। शुरुआत देखे क्या हुई है, सिक्सर, छक्का छक्का चौका चौका छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का। ओहो क्या बल्लेबाजी, पहले ओवर का खेल और पहले ओवर में रन संख्या 26, संकेत ने दे दनादन बल्लेबाजी की है, मैग्निफिसेंट बैटिंग। फिलहाल अगर देखिए तो अब तुषार क्या पलट पार करेंगे, देखने वाली बात है, जिस तरह से मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है, पहले ओवर में स्टार्ट फ्लाई हुआ है, 103 रनों की जरूरत है, स्कोर 26 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, डिस्को लेग पर खिलाड़ी तैनात है, ऑफ टर्न के बाहर गिनती, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हरकत करती भी, अच्छी लाइन है गेंदबाज राहुल द्वारा जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अस्तुबादर बल्लेबाजी की, अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो संकेत ने पहले ओवर में मेला लूटा, क्या बल्लेबाजी की, गजब की बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की बरसात मैदान के अंदर, पहले ओवर में 26 रन। इस बार वहां में खेलते हुए गेंद के नीचे खिलाड़ी स्ट्राइक कवर के लिया कैच, बल्लेबाज तुषार करना चाहते थे पलटवार और मिस्टर स्टोक, बहुत अच्छा कैच, बैक टू द पेवेलियन जा रहे। भगवान साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से पहले विकेट का पतन हुआ है और स्टार्ट अच्छा था, लेकिन संकेत के एक तरफ जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्या सिंगल आप दे सकते थे या बड़े स्टोक के लिए जाना बहुत जरूरी था? तसे पहले तर पहिल्या षटकामध्ये 26 धावांची धुवाधार केली, आपण पहिले 3 षटकार 2 चौकार,
तर तुषारकडे एक संधी होती की आपला साथीदार ज्या पद्धतीने दमदार फलंदाजी करतोय एक धाव घेण्याची, परंतु टार्गेट जर आपण पाहिलं तर 103 धावा, म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला मोठे फटके पाहिजेत. मर्यादित षटकांचा सामना, या दरम्यान पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, झेल टिपण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅकअप आहे चांगला बॅकअप. एक धाव मात्र या चेंडूवरती, एका धावाने खातं उघडतोय नवीन आलेला फलंदाज ऋषिकेश, आणि पुन्हा स्ट्राइक वरती येतोय दमदार स्फोटक फलंदाज संकेत. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की अभी तक संकेत ने, और शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है. तो मैं इससे समझ सकती हूँ दोनों तरह से हमला करने की जरूरत है. मैं समझ सकता हूँ कि 103 रन आपको बनाने, तो एक गेंद से आप थोड़ा धीमा खेल कर सकते हैं, सिंगल लेके ज्यादा से ज्यादा मौका संकेत को दे सकते थे, लेकिन तुषार इस परिभाषा को नहीं समझ पाए. फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस ऑन साइड पर डिस्क की तरफ, बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है. एक रन मुकम्मल किया, फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड. दो रन मुकम्मल किए. डगआउट में तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूँ, ज्यादा दमखम तो नहीं है लेकिन तालियां बजाने की कोशिश तो हो रही है. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. संकेत स्ट्राइकर इन पर स्कोर 29-29, 29 रन एक विकेट के नुकसान पर. उम्बरडे और औंत के बीच एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला प्रतियोगिता का आज का ये पहला मैच राउंड विकेट. हवा में खूबसूरत दमदार शानदार संकेत, गेंद बॉल की तरफ जाती हुई 6 रन. ओहो हो हो, डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट. इस मुकाबले में संकेत जबरदस्त संकेत दे रहे हैं अपनी टीम के लिए. पुनः एकदा दमदार फलंदाजी का प्रदर्शन अपन पातो. ईट का जवाब पत्थर से, संकेत मात्र आक्रमक स्फोटक विध्वंसक वादळी सुनामी झंझावती डायनामाइट फलंदाजी. पुन्हा एकदा आखून टप्प्याचा चेंडू पॉइंट दिशेने खेळला, सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय, नक्कीच आपल्या संघासाठी धाव वाचवतोय. एकदा मात्र या चेंडूवरती आपण पाहतोय संकेत, मात्र आज पहिल्याच चेंडूवरती संकेत न षटकार मारून आपले संकेत मात्र स्पष्ट केलेत. आज कुछ तूफानी करते थम्स अप टेस्ट द थंडर. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है संकेत की. और हमेशा कहा जाता है कि घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए. 103 का पीछा करने तो कर रहे हैं तो आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए. तो माइंड सेट संकेत का बहुत अच्छा. दो ओवर के बाद रन संकेत 46 जबरदस्त बल्लेबाजी 36 रन स्कोरबोर्ड पर रहे और संकेत का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है. भगवान साहब हमेशा कहा जाता है जब बढ़ रहा है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन. 103 रन इतना एक बार फिर आसान नहीं है, लेकिन संकेत ने मान लिया और ठान भी लिया है. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, गजब की बल्लेबाजी अभी तक संकेत द्वारा. सर पहले आपने कहा था कोई लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं. लड़ावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल. संघर्षाचं मैदान म्हणजे क्रिकेटचं मैदान. गोलंदाज मार्क वरती सूरज पवार, सूरजचा पहिला चेंडू एपर्ट लावलाय, चेंडू मात्र जातोय कवर्स मधून. क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय एकच धाव, नक्कीच दुसरी धाव पाहिजे होती संकेतला, परंतु एकाच धावरती समाधान. स्कोर 37-37 ओवर की बात करें तो यह तीसरा ओवर है और 5 ओवर में आपको 103 रन बनाने हैं, तो निरंतरता की जरूरत. बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर ऋषिकेश, राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है. हवा में खेलते हुए मिस्टर स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी बल्लेबाज आउट. वही परेशानी है संकेत को, आप ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं हमला करने की कोशिश. शिकार बनके ऋषिकेश डगआउट की तरफ जाते हुए और यह दूसरा झटका है. बहुत महत्वपूर्ण विकेट. आणि सर आपण आतापर्यंत अनेक क्रिकेटच्या स्पर्धा पाहिल्या की बऱ्याच वेळा मी देखील समालोचन करताना सांगतो की खेळाडूंना काही ना काही मिळणार आहे, पंचांना काही ना काही मिळणार आहे, ट्रॉफीज मिळणार आहेत, आकर्षक पारितोषिक, परंतु प्रेक्षकांसाठी सुद्धा या स्पर्धेमध्ये केवळ 10 रुपयांमध्ये तुम्ही यायचंय मैदानावरती, सामने बघायचे आहेत, लकी ड्रॉचे कुपन काढायचंय. सन्माननीय आमचे जिल्हा परिषद सदस्य आणि भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष धनंजयजी चव्हाण साहेब यांच्या संकल्पनेतून मैदानाच्या बाहेरून जे प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आणि दरम्यान पुन्हा एकदा मोठा झटका आहे, लागोपाठचा दुसरा फलंदाज अर्थात सामन्यातला तिसरा फलंदाज बाद होतोय. आणखी एक मोठा धक्का. राजेंद्र पडतरे कुरुली गावचे माजी सरपंच, त्यांचे मनापासून धन्यवाद, कारण जी लकी ड्रॉची सायकल आहे ती त्यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे, स्पोर्ट सायकल. दूसरी इनकी तरफ आप देखिए तो वो सिंगल नहीं आ रहा है, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है. इससे औंत के ऊपर प्रेशर बनता हुआ. एक तरफ संकेत एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन दूसरी एंड पर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी नहीं हो रही है. ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगितलं की कॅमेरा सूरज पवार वरती देखील फोकस असणार आहे, सूरज पवार वरती कॅमेरा फोकस झालेला आहे, राहुल वरती फोकस झालेला आहे, संकेत वरती देखील कॅमेरा फोकस झालेला आहे. आणि सूरज अष्टपैलू खेळाडू आहे, या षटकामध्ये सूरजच्या नावावरती 2 बळी टिपले. पुन्हा एक थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू, पंचांनी थोडीशी हालचाल केली, नक्कीच व्हाइट बॉल कॉल, अवांतर धाव.
पुन्हा एक आखूड टप्प्याचा याय मात्र एक जबरदस्त खेळ, परंतु चेंडू मात्र पाहुया जातो सरळ सीमारेषा पार चौकार, एका चौकारने मात्र धावपळ करतील, धावसंख्या जाऊन पोहोचली 42 रन इज अ स्कोर कार्ड। प्रेक्षकांसाठी फक्त 10 रुपयांमध्ये आपण लकी ड्रॉ योजनेचं कूपन घ्यायचंय आणि 18 तारखेला या लकी ड्रॉचा सायकल प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे। फुल टॉस चेंडू होता, परंतु नक्कीच पाहूया पंचांच्या इशाऱ्याकडे लक्ष असेल, व्हाइट बॉल कॉल, व्हाइट बॉल डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई, तो बिल्कुल दो रन आपको मिलने वाले हैं। स्कोर अगर देखें तो 45-44 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट जरूर किया गया था, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाएगी गेंद। संकेत को ज्यादा आपको मौका देना था, आपने ज्यादा मौका नहीं दिया, शुरुआत बहुत ही धुआंधार की, बीच में विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। दबाव है 103 का, पहिल्या षटकामध्ये जवळपास 26 धावा फटकावल्या गेल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत 20 धावा। पुन्हा एकदा मॅचचा चेंडू मात्र मैदानामध्ये येतो, ज्या प्रेक्षकांनी चेंडू मैदानामध्ये दिलाय त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन असेल। स्कॉटलंड यार्ड पोलिसापेक्षा कमी वेळेमध्ये चेंडूचा शोध लावलाय, 24 सेकंदामध्ये चेंडू मैदानामध्ये आलाय। पुन्हा एक आखूड टप्प्याचा चेंडू, चेंडू मात्र खेळला, क्षेत्ररक्षक आहे सुंदर क्षेत्ररक्षक, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरती क्षेत्ररक्षक, एक धाव मात्र या चेंडूवरती घेतले, एका धावीने धावपळकावरती धावसंख्या 47, षटक क्रमांक दुसरा समाप्त होता है, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर 47 धावा धावपळकावरती। दरम्यान आपण पाहतोय मैदानामध्ये 1,92,00,000 रुपये खर्च करून आणलेलं येरावाडी ग्रामपंचायतीचं कचरा साफ करणारं मशीन मैदानावरती आलेलं आहे। अवघ्या काही क्षणामध्ये एक अत्याधुनिक मशीन आहे, अवघ्या काही क्षणामध्ये सर्व कचरा साफ होऊन स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत मैदानावरती आपण पाहतोय कचरा साफ करायचं मशीन, येरावाडी ग्रामपंचायतीचा अभिनव उपक्रम, स्वच्छता अभियान क्या याद रहेगा हिंदुस्तान। आणि सन्माननीय धनंजय चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो भव्य रोजगार प्रकल्प निर्मिती अंतर्गत प्रेक्षकांसाठी भव्य आकर्षक सायकल, भव्य लकी ड्रॉ, म्हणजे मैदानावरती या लकी ड्रॉचं फक्त 10 रुपयाचं कूपन घ्या आणि 18 तारखेला सायकलवरती बसून जा, सायकलवरती बसून जायचंय, कडक इस्त्रीचे कपडे घालायला मिळणार आहेत, मिक्सर आहे, डिश टीव्ही आहे, पर 12 गेंदों में जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है, तो ये ओवर आपको बड़ा करना चाहिए। बहुत अच्छा बड़ा टूर्नामेंट पृथ्वीराज चषक 2023, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग पार्ट पर सचिन, मात्र स्ट्रेट ड्राइव केलाय क्षेत्ररक्षक असेल, सुंदर क्षेत्ररक्षण, नक्कीच सीमारेषेवरती क्षेत्ररक्षण खूप अवघड, परंतु पहिल्या चेंडूवरती एक धाव घेतले आणि वैभवने मात्र स्ट्राइक दिलाय संकेतकडे, धावपळकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली 48 धावा, षटक क्रमांक मैदानावरती टाकले जाते, चौथं षटक। यावेळी मात्र हा चेंडू नक्कीच थोडासा वेगाने ट्रॅव्हल करतोय, काही काळ संकेतला वाटलं होतं की उजव्या इशीच्या बाहेर चेंडू जातोय, पुढच्या सामन्याचे नाणेफेक करून घ्यायचे दोन्ही संघाचे संघनायक। अच्छी गेंदबाजी, पिछला ओवर सूरज का बहुत ही बढ़िया रहा है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, अब सचिन को मौका मिला है और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। स्कोर 48, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन जो पुल टॉस गेंद थी उसका फायदा ज्यादा बल्लेबाज नहीं उठा पाए। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, एक रन लेने का अवसर, स्कोर 49। नेक्स्ट मैच का टॉस, सुंदर गेंदबाजी लेकिन नियंत्रणीय दिशा पर नियंत्रणीय, आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी करने की कोशिश, व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोर अगर देखे तो 50, स्कोर की बात करें तो 50 रन, तो बड़ा ऑफ टर्म के बाहर फुल टॉस गेंद थी, मौका था बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने के, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए हैं। और पीछे खिलाड़ी है, स्लिप में खिलाड़ी है, वो भी एक बार अच्छा थ्रो करते तो संकेत के लिए खतरे की घंटी बज रही थी। 51, अब प्रेशर इस ओवर में सचिन का गेंदबाज के तौर पर संकेत के ऊपर, संकेत एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, स्टार्ट अच्छा किया था, आगाज बहुत ही बेहतरीन, हवा में उछाला, गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जा रही है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, उनके पास कोई मौका नहीं है, संकेत के बल्ले से और एक क्रक शॉट, 6 रन, दबाव बनाने की कोशिश संकेत द्वारा।
मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं प्रकाश, सूरज की अगली गेंद और दमकम लगाते हुए गेंदबाज सूरज ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं। पांच ओवर का मुकाबला और 30 गेंदों में आपको 103 रन बनाने दें। पहले ओवर में संकेत ने 26 रन बनाए थे, शानदार आगाज किया था और एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, खड़े खड़े आंसर पर खेलने का प्रयास किया गया बल्लेबाज द्वारा। लेग बाय का इशारा सातिक राजापुरकर कर रहे हैं। अब जीत की दहलीज पर उमर डे टीम है, ऑन द हार के कगार पर निर्णायक ओवर का खेल है और इस ओवर की बात करें तो दो गेंदों का खेल अभी भी आना शेष। बल्लेबाज वैभव स्ट्राइकर इन पर फुल टॉस गेंद टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद के नीचे खिलाड़ी स्ट्राइक कवर पर, नो बॉल का इशारा, कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन यहां से 103 रन बनाना बहुत मुश्किल। फ्रीट का इशारा सादिक का राजापुरकर कर रहे हैं। छोटी गेंद आप ट्रैक करते ही उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश, और फिलहाल कोई रन नहीं है। बाहरी गेंदा लगा था, विकेट कीपर ने कोशिश बहुत ही बढ़िया की लेकिन अब फिलहाल एक रन मिलेगा। निकट क्षेत्र की तरफ जाते भी गेंद, स्कोर 61। टपकाने के बाद उछाल, अच्छा बाउंसर और उसी के साथ उमर टीम ने यह पहला मुकाबला बहुत बड़े मार्जिन से जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, संकेत की जबरदस्त बल्लेबाजी रही है और उसके साथ राहुल, दो बल्लेबाजों ने प्रभावित किया। सूरज की शानदार गेंदबाजी, अब सूरज को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला बल्लेबाज के तौर पर। तो दो खिलाड़ी, मैं इनको विनती करूंगा।